हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बड़े ही ध्यान से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं दोबारा से आया हूँ एक और एकदम बिल्कुल नई एकदम नए तरह का क्वेश्चन लेकर, और डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन मैं देके जाऊंगा। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ही एकदम ब्रांड न्यू कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि एग्जामिनर को ये क्वेश्चन एक्चुअली नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जो कंसेप्ट ऑफ इमेज मेथड होता है वो हम जेई लेवल या बोर्ड लेवल पर तो बिल्कुल डिस्कस नहीं करते हैं ना। हाउएवर, फिर भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जिसने भी इस क्वेश्चन को बनाया है, शायद उसने ये चीज इतना दिमाग में ध्यान नहीं दी और उसने बस इस क्वेश्चन को इंजीनियरिंग लेवल से उठा के या जेई लेवल पर या बोर्ड लेवल पर दे दिया है। आइए जरा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लीजिए। एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज ऑफ 40 स्टैट कूलम, ऐसा यूनिट्स लिए गए हैं, इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ एन अर्थिड मेटलिक प्लेन प्लेट्स। अर्थिड मीन्स ग्राउंडेड है और मेटलिक मीन्स कंडक्टिंग प्लेन प्लेन और प्लेट है ऑफ लार्ज साइज, है ना? तो मतलब मैं लार्ज, फिजिक्स में लार्ज का मतलब इनफाइनाइटी होता है भाई, लाइन का मतलब कर्व भी हो सकता है, तो ऐसे ही लार्ज का मतलब इनफाइनाइट मीन्स वही लार्ज साइज की प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट हमें यह गिवन है। पूछ रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द पॉइंट चार्ज विल बी। आइए डिस्कस करते हैं। तो यहां पर जो मैं नया कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं वो है कंसेप्ट ऑफ इमेज मेथड। इमेज मेथड कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये इंजीनियरिंग का केस आ जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप इसे डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा यूज मुझे इसका करना है। इस मेथड की कंडीशन बस यही है कि बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। बाउंड्री कंडीशन मीन्स, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। तो मुझे एक प्लेट दे रखी है, लार्ज प्लेट है, और इस लार्ज प्लेट को ग्राउंडेड भी किया हुआ है। ठीक है, ग्राउंडेड कर देते हैं। ओके, और इस लार्ज प्लेट से डी डिस्टेंस अपार्ट, डी ले लेता हूं 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव क्यू। इस क्यू की वैल्यू है +40 स्टैट कूलम। अब इमेज मेथड ये कहता है कि ये जो लार्ज प्लेट है, लार्ज प्लेट मिरर की तरह बिहेव करेगी। लार्ज कंडक्टिंग प्लेट ओनली, है ना? लार्ज कंडक्टिंग प्लेट बिहेव एज ए मिरर, बिहेव एज प्लेन मिरर। और एक चीज और आपको पता है कि बिकॉज ऑफ द ग्राउंडिंग इसका पोटेंशियल प्लेट का 0 होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहां पर बिल्कुल सेम डिस्टेंस अपार्ट दूसरी तरफ, याद है ना, प्लेन मिरर इक्वल डिस्टेंस अपार्ट इमेज बनाता है, तो सेम डिस्टेंस अपार्ट मैं इसी चार्ज को दोबारा से इमेजिन करूंगा, लेकिन अपोजिट नेचर। अपोजिट नेचर क्यों? अब जरा ध्यान से देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्लेट पर पोटेंशियल कितना होगा? लेट्स सपोज समथिंग पॉजिटिव वी पोटेंशियल होगा। वो पॉजिटिव वी पोटेंशियल इस डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा होगा, इसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा होगा। आपको अच्छे से फॉर्मूला भी याद होगा, दैट इज K+Q/D। अब उतना ही पोटेंशियल ये नेगेटिव चार्ज देगा लेकिन अपोजिट नेचर का, तो ये नेगेटिव चार्ज कितना पोटेंशियल देगा? ये देगा माइनस ऑफ वी, दैट इज माइनस ऑफ KQ/D। तो अब देखो नेट पोटेंशियल कितना हो गया? 0 हो गया। तो नेट पोटेंशियल 0 होने की वजह से बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब मैंने किसी भी तरह की फिजिक्स को या लॉजिक को डिस्टर्ब नहीं किया, अभी भी प्लेट का नेट पोटेंशियल 0 बना हुआ है। यही इस मेथड की एडवांटेज है। और फाइनली जो फोर्स इन चार्जेस के बीच में होगी, एक्चुअल में वही फोर्स है इस कंडक्टिंग प्लेट और इस प्लस क्यू चार्ज के बीच में, ये फोर्स मुझे फाइंड आउट करनी है। तो कूलम्स लॉ लगाएंगे, फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है।
तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का मल्टीप्लाई विद मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज डिवाइड बाय, अब डिस्टेंस इनके बीच में 2d है, 2d का स्क्वायर, राइट, वैल्यूज पुट कर दीजिए। ओके, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 होती है इन सीजीएस, क्योंकि फाइनल आंसर देखिए ऑप्शन सीजीएस में पूछा जा रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा इन सीजीएस। और इन दोनों चार्जेस की तो मुझे गिवन ही है मैग्नीट्यूड 40 मल्टीप्लाई विथ 40, राइट, और डिवाइड बाय डिस्टेंस, इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। तो ये आ गया है 100 डाइन, फोर्स आ गया है 100 डाइन, फाइनल आंसर है 100 डाइन की फोर्स। कई लोग क्या करते हैं, बहुत बेवकूफी दिखाते हैं, और वो इस चार्ज को दो टुकड़ों में बांट देते हैं, कहते हैं इस पे इंड्यूस हो गया, फिर इनके बीच में वही ये सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं और आंसर कैसे भी करके ये 100 डाइन या फिर सॉरी 400 डाइन या फिर 100 डाइन, कैसे भी करके इलॉजिक कंसेप्ट लगा के वो आंसर ले आते हैं, वो गलत है, यही इसका जेन्युइन सॉल्यूशन है। चलिए बेटा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, आज के लिए इतना ही काफी है।